अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं चलो। और आज मैंने जो है ये वाली कुर्ती डाली हुई है, जो कि बहुत टाइम के बाद डाली हुई, क्योंकि इसके साथ का जो प्लाजो है ना वो मुझे फिक्स नहीं आता है, मुझे टाइट आता है, तो वो क्या है ना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। इसके साथ में मैंने लेगिंग पहनी हुई है, जो कि अभी सही लग रहा है सूट। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा करके। तो जी ये रही मैं और ये रही मेरी कुर्ती। तो मेरा आज का जो ड्रेस है आ जा आ जा। कौन नहीं, मैं रबड़ देने आई थी, सी रबड़ रबर? होते ही तो तो अभी जो है साहिबा आ गई थी रबर लेने के लिए, तो उसको दे दिया। और हाँ, मैं बात कर रही थी मेरे ड्रेस के बारे में। तो ये मेरा ड्रेस है और मैंने लेगिंग के साथ में इसको वेयर किया हुआ है। वैसे इसके साथ में था प्लाजो, और मैंने लेगिंग के साथ में क्यों वेयर किया है वो मैं आप लोगों को रीज़न बता ही चुकी हूँ। तो ये देखो, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सूट। मैंने ना ये अलविदा जुमा के लिए मंगाया हुआ था, मतलब अब 1 साल हो जाएगा, अभी रमज़ान आने वाले हैं फिर से। अल्लाह सबको रमज़ान देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन, एक बार ज़रूर बोलिएगा। तो ये तो मैंने अपना सूट के बारे में बता दिया है आप लोगों को। अब हम अपना सो गाइज यहाँ पे जो है सारे कपड़े जो मैंने आज वॉश किए हुए थे, तो बस यहाँ पे सूख करके आ गए, तो उनको फोल्ड करके रखना है। टाइम हो रहा है 2:30, तो 2:30 बज रहे हैं अभी। बाकी एक आंटी आई हुई है, मतलब अम्मा है, तो वो जो है ना ऐसी मम्मी के पास होने के लिए आ जाती हैं, तो वो आई हुई है। तो मम्मी ऊपर गई हुई है छत पे, बातें बातें कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे छत पे जाना है धूप लेने के लिए। मम्मी ने बोला चलो तुम्हें धूप दिखाते हैं और बस यहाँ पे मैं ना, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग व्लॉग शूट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। फिर सोचा कि चलो यार कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है, अगर हम ही आलस कर जाएंगे तो फिर क्या ही बात है। तो इसलिए जो है आलस नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बस यहाँ पे फोल्ड करके रखूँगी मैं। वैसे जो है ना सोने के लिए जा रही थी, लेकिन जो है ऊपर कपड़े सूख गए थे, तो खाला ले आई है कपड़ों को, तो अभी जो है उनको रखूँगी। हुरैन भी चली गई है अपनी मुमानी के साथ। हेलो गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये कैरेट क्यों खा रही हूँ, आप ही क्या? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे देखकर ये भी बोला कि यार सूरज कहाँ से निकला है भाई, क्योंकि मुझे कैरेट पसंद नहीं है ना। लेकिन मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मेरे बाल इधर उधर नज़र आने लगे हैं, हर एक चीज़ में मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कैरेट खा रही हूँ, क्योंकि इसमें होता है कैरोटीन और कैरोटीनाइड्स, जो हेयर फॉल को रोकता है। जैसे कि आपको पता है वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो मेरे हस्बैंड मुझे टीज़ कर रहे हैं कि कहीं तुम तब तक गंजी ना हो जाओ। बट मेरे हेयर फॉल को लेकर मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा वरिड हैं, तो मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वही लेकर के आए हैं। सो गाइस, ये है न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करती हूँ। और जब तक मेरी जो है चंपी भी कर देगी, मेरी सिस्टर, तो चंपी ही नहीं, हैशटैग हेयर फॉल कम करो एंड चंपी करो, ये बना है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से। एंड इसमें है विटामिन ए, कैरोटीन्स एंड कैरोटीनाइड्स, जो बालों के जड़ों से मजबूत बनाता है। इसमें है विटामिन ए, कैरोटीन एंड कैरोटीनाइड्स, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है एंड हेयर फॉल को रोकता है, और ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बालों को यूवी रेज एंड पॉल्यूशन से प्रिवेंट करती है। इवन 10 नहीं, 20 नहीं, इससे 70% तक हेयर फॉल रिड्यूस हो जाते हैं इन 1 मंथ। सो है ना कितने अमेजिंग? लो, मेरी चंपी भी हो गई और साथ साथ में मेरा स्ट्रेस भी गायब हो गया। तो आई लव दिस चंपी टाइम विथ यू माई सिस्टर। इसी के साथ साथ में जो है चिपचिप भी नहीं है। सो गाइस, अब आप सब भी अपना
इस वैलेंटाइन पर अपना लव बॉन्ड शेयर करो विद योर पार्टनर, फादर, डॉटर, मदर, सिस्टर या फिर फ्रेंड, किसी के साथ में भी, बिकॉज सिर्फ आपका पार्टनर ही आपका वैलेंटाइन नहीं, आपसे जो भी प्यार करते हैं वो सब आपके वैलेंटाइन है। तो अब सूरज कहीं और से ही निकलेगा और ना ही अब मेरे बाल इधर उधर दिखाई देंगे मुझे। सो आप भी हैशटैग हेयर फॉल कम करो चंपी, तो यहाँ पे मैं उसकी वेबसाइट मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जा करके बाय कर सकते हो और ये प्रोडक्ट आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी मिल जाएगा। डांस और ये देखो इनका डांस स्टार्ट हो गया। कहीं मत जाओ, कहीं मुंह का तक नहीं है ना, तो ना फिर मैं यहाँ पर आ जाओ। रेन ला हो, रेन हो, रेन ओ चश्मा ले लिया, आ जाओ आ जाओ, तोड़ देगी तोड़ देगी, आ जाओ आ जाओ, ला मैं खोल दूँ, ला मैं खोल दूँ। देखी भैया तुम कुछ बोलना चाहते हो? चश्मा लगा रही है, चश्मा लगा रही है, चश्मा लगा, चश्मा लगा, चश्मा लगा, चलो आ जा, चश्मा लगा, चश्मा लगा, चश्मा लगा लो, बहनू बहन लगा लो, बेटू लगा लो, लगा लो, ओहो आ जाओ रेन, चलो अपन चले बाहर घूमने, आ जाओ आ जा, आ गई चुन्नू, आ गई चुन्नू, चुन्नू चुन्नू आ गई चुन्नू, ओ खड़े हो, खड़े खड़े हो, खड़े खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े हो, आ जा आ जा आ जा आ जा, गाइस मैंने साहिबा की ये वाली हेयर स्टाइल बनाई है, बहुत सिंपल वाली, उसके चेहरे पे अच्छी लग रही है ना, है ना, पता है ये 2 दिन तक नहीं खुलेगी ये वाली चोटी, मैं भी ऐसी करती थी, 2 दिन तक बिल्कुल नहीं खुलती थी। जैसी लाइट आई वैसी, ओ अल्लाह हो रही है, यहाँ बन रही है चाय, यहाँ बन रही है लौकी चने की दाल और यहाँ गूंद रहा है आटा, गूंद चुका है आटा, अब आटा लग के रख गया है, जब कोई खाएगा उसी टाइम पे सिकेंगे, तो मतलब काम हो चुका है ना। और ये देखो ये क्या डाला ये है जुगाड़, हमारी सिलेंडर ख़त्म हो चुका था, अच्छा बंद कर दिए, मुझे लगा यहाँ से ख़त्म तो नहीं हो गया आ गए पापा आ गए, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे यहाँ जाना है, पूरी रात लाइट नहीं रही है, तो बस ऐसे ही हमने जो है बिना लाइट के सब लोग जो है सोए हैं, ऐसे ही पूरी रात जो है वेट करते रहे हैं लाइट का, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बस कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, हमने जो हमारे पास जो छोटा वाला स्पीकर है ना उससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, वही माइक वाइक के साथ में गाना वाना गाना और साथ में मतलब बहुत फैमिली टाइम स्पेंड किया है कल, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। वैसे जब भी हमारा मन होता है तो हम उसी को जो चला लेते हैं और सब लोग बस अपने अपना जो है परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो बस इसी तरह से जो है अच्छा लगता है। और लाइट का बहुत देर तक वेट करते रहे लेकिन लाइट तो आई नहीं, थोड़ी देर के लिए आई भी 12 बजे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही चली गई थी वो। और बस अभी सुबह हो चुकी है और जो है
रात भर लाइट तो आई नहीं, ऐसे ही सो गए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में इतना ज़्यादा लाइट का महसूस नहीं होता है कि हाँ होनी ही चाहिए। गर्मियों में क्या कूलर पंखे चलते हैं, एसी चलता है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ लाइट होनी चाहिए। तो फ़ोन वोन थोड़े से जो है ना डिस्चार्ज भी हो गए थे, तो अभी जो है थोड़ा सा 1-2% बैटरी मुझे मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और बस यहाँ पे उरन भी आज जल्दी उठ गई है, तो वो अपनी नाना के साथ जाके चीज़ लेकर के आई है। अब उसको चीज़ का बड़ा शौक हो गया है बाहर की चीज़ें खाने का, पॉप्स वगैरह तो वो खाती है। नाना के साथ में लेकर के आई है, और बस अभी मैं यहाँ बैठी हूँ। धूप अच्छी खासी निकल रही है, 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और साहिबा भी उठ चुकी हैं। हुरैन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गिरा दिए। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। क्यों रो रही थी तुम? ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा? आ जाता हूँ, आ जाओ। अच्छा कबूतर का है, कबूतर। तो गाइस हमारे यहाँ पे ये देखो धनिया भी लगाया है, इतने छोटे छोटे पौधे हो गए। और यहाँ लहसुन लग रहा है थोड़ा सा ही, क्योंकि हमने इसमें ना खसखस लगाई, क्योंकि खसखस के पौधे जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो वो लग नहीं पाए। और यहाँ पे ये धनिया और ये लहसुन तो बहुत जल्दी लग गए, ये देखो। इससे क्या एकदम रवि से ना अगर मेरा सा तो गाइस आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, अभी तक पूरी रात से गई हुई है, पूरी रात नहीं आई और अभी तक नहीं आई, और टाइम हो रहा है ये देखो 11:15 का। इन्वर्टर भी जा चुका है अब तो बस यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं खो, गुलाब जामुन खोए के। तो बस यहाँ पे मावा निकाल लिया है, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आई तो ख़राब होने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं इसके, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि इसको यूज़ करो पहले जल्दी से। तो बस यहाँ पे ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मावा है, और यहाँ पे खाना निकाल रहे हैं सूजी, और हल्का सा मैदा भी इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर मैं चाशनी बनाने के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं चाशनी बनाने के लिए रख रही हूँ। तो मावा 1 किलो से ज़्यादा है, तो 1 किलो के समथिंग चाशनी बनाएंगे ना शक्कर की, कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा करें, बताओ। थोड़ी सी ज़्यादा करें, इससे चाशनी तो बच भी सकती है। तो अगर भाई चाशनी बनाने नहीं आती है तो यहाँ पे सीख लें। तो मैंने यहाँ पे जो है 4.5 कटोरी शक्कर लिए, 1 किलो से ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे अभी 1 कटोरी पानी और अभी और डालूँगी, तो लगभग मैंने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। और अभी गैस को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर जो सूजी थी जिसको पानी में अच्छे से धो लिया है, थोड़ी देर तक अच्छे से फुलाने के लिए रखा था, कैसे कच्चा धो लेते हैं तो बारीक तो होता ही है, हाल फूल जाता है दोनों में। सूजी डाल दिए पानी निकाल करके अच्छे से, और अब मैदा डालेंगे अंदाजे से ही ना। अभी इसको अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना अच्छे से गूंद जाएगा उतनी तरह रिस्क पड़ेगा। यहाँ पे चाशनी बनना शुरू हो गई है, और यहाँ पे अभी अच्छे से इसको मावे को गूंदा जा रहा है। और गाइस आप लोगों को पता है घर में गुलाब जामुन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं जो है पहली बार नानी बनी हूँ, तो उसी चीज़ की खुशी है मुझे। मतलब मैं फुप्पी और खाला और चाची
ये सारे मेरे जो भी रिश्ते हैं ना वो सब मैं बन चुकी हूँ, लेकिन नानी मैं पहली बार बनी हूँ। तो इसी खुशी में जो है गुलाब जामुन बन रहे हैं घर में। तो अभी आप लोग सोचोगे कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में मैं नानी कैसे बन गई। वो ऐसे कि मेरी एक है भतीजी, तो उसके जो है ना बेटा हुआ है, तो वो भोपाल में है अभी, तो उसके बेटा हुआ है, तो मैं बन गई उसकी नानी और हमारी मम्मी बन गई उसकी पर नानी। तो आज पता है बहुत मतलब हम लोग हंस रहे थे घर में कि मतलब अभी से देखो मैं नानी बन गई, ये मेरा पहला रिश्ता है जो मैं नानी बनी हूँ। तो बस इसी खुशी में जो हमने गुलाब जामुन बनवाए घर पे, और बस बड़ा ही अच्छा लगा। पेड़े। सो गाइस चाशनी हमारे यहाँ पर रेडी हो गई है, और यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा था तो बस अभी होने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बन चुके हैं अभी वो डाल देती हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा लाइट्स आप लोगों को कम दिखाई देगी। तो बस इस तरह से गुलाब जामुनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे स्लो, एकदम स्लो वाली फ्लेम पर, और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें डॉट डॉट बिल्कुल भी ना बने। अगर थोड़ी देर भी नहीं जलाएंगे ना तो इसमें दाग लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी गुलाब जामुन रेडी हैं, इसको डालते हैं चाशनी के अंदर। और ये हमारी गुलाब जामुन वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार देना मुझे और मेरी फैमिली को।